हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवाज बसीन में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 200 ट्रेड स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आप पूरे मार्च एक्सपायरी के लिए से रख सकते हैं और डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ये जो दो स्टॉक्स आप फोटो देख रहे होंगे, इन दोनों स्टॉक्स की हम बात कर चुके हैं। ये दोनों स्टॉक्स है सेंचुरी टेक्सटाइल और हिंद पेट्रो। ये दोनों स्टॉक्स के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दोनों पे हम बुलिश थे। मैंने दोनों पे ही आपको अपने ट्रेड्स बताए थे कि आपको किस लेवल पे बाय करना है, क्या टारगेट है, और दोनों के टारगेट अब हमें अचीव होते हुए दिख गए हैं। क्या अब हम वापस अपनी फ्रेश बाइंग भी बना सकते हैं या अब यहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमें लेनी चाहिए? तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। एक स्टॉक ऐसा है जो हमें टारगेट 15 दिन के अंदर भी दे सकता है या 10 दिन के अंदर भी दे सकता है। एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें शायद टारगेट 1 महीना भी लगा सकता है। तो दोनों के बारे में हम केयरफुली ध्यान से बात करेंगे। तो चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हिंड पेट्रो का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अराउंड 220 के आसपास मैंने आपको इसमें सलाह दी थी बाय करने की, और बाय करने के बाद जब मैंने आपको बोला था कि ये अराउंड 260 तक जा सकता है, 260 तक, और अगर हम इसका हाई देखने की कोशिश करें सो गाइस 256 तक का इसका हाई था। अप्रॉक्सीमेटली वहां तक, इस लेवल तक वो पहुंच गया था। अभी मैंने कैसे फाइंड आउट करा था और मैंने आपको कैसे बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी पुरानी वीडियोज में भी जाके सर्च कर सकते हैं कौन सा पैटर्न बंदे बनाया था। आपको मैंने बोला भी था कि ऐसे पैटर्न्स और फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा जरूर। सो गाइस देखते हैं। अब मैं कुछ ट्रेंड लाइंस का ही यूज करने वाला हूँ और एक फिबोनाची का और एक मूविंग एवरेज है। ये तीन चीजें ही हमें बता देंगे हमें किस तरफ हमें ट्रेड लेना चाहिए था और क्यों 260 से ही हमें से शॉर्ट करना है। सो गाइस देखिएगा, ये मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। जी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं। जी, सो आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है दोनों सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। आप देख सकते हैं इस कंटिन्यूअस इसी के सेंटर के अंदर वर्क कर रहे हैं, इसी हम देख रहे रेक्टेंगल के अंदर ये वर्क कर रहा था। मैंने आपको इस सलाह पे, इस जो ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनने के बाद मैंने आपको बोला था कि अब आपको यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को इनिशिएट करना है और जो इसका टारगेट होगा वो टारगेट होगा अराउंड 260 के आसपास। सो गाइज, मैंने आपको ये जो सलाह दी थी ये बिल्कुल कंफर्म गई और हमारा टारगेट हमें अचीव हो गया था। तो गाइज, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अगर हम फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इस पैटर्न को ही अभी फॉलो करें, इस पैटर्न का इन द सेंस कि अगर हम देखें ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये चैनल से अब ये दोबारा नीचे आ सकता है, और ये चैनल को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ सो ये दोबारा यहाँ से इस तरीके से ऐसे फॉल कर सकता है। तो गाइस, हो सकता है ये चैनल का ब्रेकआउट भी दे दे, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। सो हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना होगा वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने टॉप से लाइन बना दी एक नीचे की तरफ, आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मैं लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब आप दिख जाएगा आपको। जी गाइस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये एक बना रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये एक पोल का काम कर रहा है और ये एक फ्लैग है, यानी कि हमने देखा मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद उसने फ्लैग बनाया। फ्लैग मतलब एक चैनल के अंदर वो रेंज करा, रेंज करने के बाद ये एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। अब गाइस होता क्या है, जनरली मैं अगर आपको बताऊं फ्लैग एंड पोल पैटर्न में जनरली होता क्या है, किस तरीके से अगर मैं अपने जो भी बहुत सारे स्टॉक्स मैंने देखे हैं उन्हें स्टडी करी है फ्लैग एंड पोल के पैटर्न्स को, तो ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये 70% करेक्ट होता है। ये फ्लैग है, फ्लैग में एक बार इसने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करा नीचे आ गया, दूसरी बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करा सेकेंड टाइम नीचे आ गया, थर्ड टाइम जब रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो भी ये नीचे आता है, और उसके बाद जब नीचे से ही ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देता है। अभी क्या चल रहा है हम देख रहे हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है जो ये ट्रेंड लाइन शो कर रही है रेजिस्टेंस की, और यहीं से ये हम देख रहे हैं कि एक हैंगिंग मैन का पैटर्न शो कर रहा है, हैंगिंग मैन की कैंडल स्टिक का पैटर्न शो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक दोबारा फॉल आ सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 210 टू 220 के लेवल्स पर, यानी कि यहाँ से 20 से 30 पॉइंट ही दोबारा नीचे गिर सकता है। पर
अगर हम ये चांस लेकर ना चले और देखते हैं कि ये इसके ऊपर निकल जाता है, 255 के ऊपर निकल जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो हमारी तीन कंडीशंस होती है जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। इस तीन कंडीशन आपको पता ही होंगी, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसके ऊपर जब किसी लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 3 दिन तक उसके ऊपर ग्रीन कैंडल्स के साथ सस्टेन करना पड़ेगा, वॉल्यूम्स इंक्रीज होने चाहिए और हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी रेड कैंडल ना बने 3 दिन, सिर्फ एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल ही बने। सो गाइस, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हम अपनी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। अब गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है, पर गाइस हो सकता है ये यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दे। हमारे को एक पर्टिकुलर स्टॉक से हम जितना प्रॉफिट निकाल सके हम उतना प्रॉफिट निकालेंगे। फर्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपको मैं शॉर्ट की सलाह दे रहा हूँ। शॉर्ट करके चलिए हिंदुस्तान को, फॉर अ टारगेट ऑफ 220 स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 260 का। आप इंटर मार्केट में इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। अब क्या करना है, अब अगर ये यहाँ तक आ गया तो दोबारा हम अपनी बाइंग ये अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये यहाँ से नीचे गिरेगा, क्यों? क्योंकि एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। इसका जो ब्रेकआउट होगा वो अपर साइड में होगा, और जो अपर साइड का जो टारगेट होगा गाइस वो होगा जो भी इस पोल है, इस पोल का जो भी डिफरेंस है, यानी कि ये पोल का अगर हम हाई देखें तो 260 है और जो इस पोल का लो है वो 160, यानी कि कुल 100 पॉइंट्स का हमने देखा इसमें मूवमेंट आई है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है और जो मेरी कंडीशंस है उसे सेटिस्फाई कर देता है, सो गाइस यहाँ से हम एग्जैक्ट 300 पॉइंट्स तक की अप मूव एक्सपेक्ट, अब 100 पॉइंट्स तक की एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये 260 से अराउंड 360 तक जाने की इसकी कैपेबिलिटी है। और ड्यूरेशन भी आपको आराम से पता चल जाएगा ये पोल ने ये जो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट है कब तक कंप्लीट करी है। आप देख सकते हैं इसने 10th 4th को, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे टाइम शो कर रहा होगा, 2018 पे इसने 4th डेट है और मंथ 10th है, यहाँ से इसने रैली स्टार्ट करी और एग्जैक्ट नेक्स्ट मंथ को, यानी कि अराउंड 45 डेज के अंदर अंदर ही इसने अपनी 100 पॉइंट की रैली को कंप्लीट कर लिया था। तो गाइस अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ और कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, सो हम यहाँ से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और जो हम टाइम रेंज लेकर चल रहे हैं वो 45 डेज का लेकर चल रहे हैं। टारगेट जो रख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरी बात, ये हमारी हो गई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है। दूसरी बात, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 220, क्योंकि ये अपने दोबारा एक हम कह सकते हैं कि पैटर्न कंप्लीट करेगा, और पैटर्न कंप्लीट करने के बाद तीसरी बार जाके यहाँ से ब्रेकआउट देगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है वो 3 बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे आता है और चौथी बार में ब्रेकआउट देता है। अब ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है या नहीं, ये एक पोल और फ्लैग बनने से हम ये नहीं कह सकते फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। इसका जो कन्फर्मेशन होता है वो एक फिबोनाची देता है, जो फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ हो चुकी है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्लैग एंड पोल पैटर्न में सजेस्ट करता है कि जो भी फ्लैग का एक जो बॉटम होता है, ये फ्लैग के अंदर दो बॉटम बने हमने देखे हैं, ये बॉटम 61% होगा तो भी हम सेटिस्फाइड रहेंगे, या फिर अगर 50% होगा तो भी हम सेटिस्फाइड रहेंगे, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन जैसी मैचेस करी, तो आप देख सकते हैं 50% रिट्रेसमेंट से कम ट्रेंड लाइन शो नहीं कर रही है। अगर ये जो हम बॉटम देख रहे हैं ये बॉटम यहाँ बना होता तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न इनिशिएट नहीं कर रहा होता, और यहाँ से हम इसे एक रेंज की तरह ही के सही देख रहे थे, तो हम इसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं कहते। सो अभी ये हम देख रहे हैं 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे है, और अगर ये दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है तो 50% को रिस्पेक्ट देगा। सो हमारे लिए यहाँ पर इस टाइम हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हो रही है फॉर अ टारगेट ऑफ 220। उसके बाद हम अपनी एक दोबारा फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी, अगर मैं आपसे कह सकता हूँ, फॉर अ टारगेट ऑफ 360। बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करी जा रही है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स दी है, हमने देखा कि 80 to 90% सारी करेक्ट गई और टारगेट तक अचीव हुई है। तो गाइस आप इसको वॉच करके जरूर चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो। ये मैंने आपको अपनी जो मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो थी
मैंने थर्ड लास्ट वीडियो इन द सेंस कहा जाए तो उस पर मैंने आपको ये बताया था सेंचुरी टेक्सटाइल के बारे में, मैंने आपको एक से डेढ़ हफ्ता पहले ही बता दिया था, आपको अराउंड इस लेवल पे बता दिया था जो ये बुलिश कैंडल बनी थी। मैंने आपको बोला था कि 780 के आसपास अराउंड आपको इसे बाय करके चलना है फॉर अ टारगेट ऑफ 860। और गाइस आप देख सकते हैं 860 का टारगेट हमारा अचीव होते हुए दिख गया था, ये ट्रेंड लाइन तक का हमारा टारगेट था और वहां तक टारगेट अचीव होते हुए दिख गया था। अब गाइस टारगेट अचीव हो गया है, तो टारगेट अचीव करने के बाद अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, ये आपको मैं दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा। अब मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, उसमें मैंने इससे अच्छी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन इन कर रखा। सिर्फ अब हम बात करेंगे कि अब हमें किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड लेना है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही, और से इसने टेस्ट करके हमने देखा 870 से नीचे आ गया। अब हम देख रहे थे कि हमें इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम इसमें कब इनिशिएट करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है ये जो एक सपोर्ट का काम कर रही है। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा जूम करना चाहूंगा, आप देखिएगा यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट का काम करा था, दूसरी बार भी इसने सपोर्ट का काम करा, तीसरी बार सपोर्ट का काम करा, और अब देख रहे हैं हम चौथी बार भी ये सपोर्ट का काम कर ही रही है। सो इस अब हमें देखना है कि अगर ये 845 के लेवल को ब्रेक कर देती है और उसके नीचे कंटिन्यूसली एक बार दिन क्लोजिंग दे देती है, सो हम इसके अंदर एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस हम बात करें ये एक पर्टिकुलर काउंटर, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा है कि ये बहुत तेजी से मूव दिखा दी, पर इसके जो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है, जो कंपनीज के रिजल्ट है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये कंपनी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है अपने अपने टाइम पे। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो अपमूव आई है अब ये अपमूव यहीं पर ही थम जाएगी और यहाँ से हम एक फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो फ्रॉम माई साइड आपको इसमें जो टारगेट मिल सकता है वो दोबारा इस बिलो द सपोर्ट ट्रेंड लाइन के अंदर मिल सकता है अराउंड 720 to 30। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके इसके अंदर रखना होगा 7870 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो आपको यही सलाह दी जाएगी इस एक्सपायरी तक इस पर्टिकुलर काउंटर को आप होल्ड करके रख सकते हैं। और गाइस मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है और वो टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सबको स्टॉक्स प्रोवाइड कराएंगे, उस स्टॉक्स के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सारा कुछ उस पर्टिकुलर स्टॉक टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्रेड किया जाएगा, आपको सब कुछ समझाया जाएगा। कुछ ऐसी कॉल्स भी होंगी जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। सो वो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपके साथ इसी वीडियो में भी शेयर कर रहा हूँ और मैं वो कम्युनिटी चैनल में भी डाल दूंगा, आप उसमें भी जाके जरूर देख सकते हैं कि मैंने क्या डाल रखा है क्या नहीं डाल रखा है। चैनल का नाम मुझे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब मुझे जाके फॉलो करिएगा, ऐसे ही जो स्विंग ट्रेड्स की स्ट्रैटेजीज है वो सब आपके साथ शेयर करा जाएगा। और जो चैनल का नाम है वो है ट्रेड डीलर्स। सो गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है ट्रेड डीलर्स, TRADEDEALER, ट्रेड डीलर्स। गाइस उस पे जाइए और मेरे चैनल से के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत सी कॉल्स प्रोवाइड भी होंगी, कॉल्स इन द सेंस मैं आपको इंट्राडे बेसिस पे कोई कॉल प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, आपको निफ्टी का आउटलुक, क्योंकि गाइस मैं आपको देख रहे होंगे कि मैं ज्यादातर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता, तो मैं वहां पर आपके साथ जुड़े रहूंगा। उसके बाद हम अपने खुद का भी शायद ग्रुप भी इनिशिएट करें, ग्रुप पे हम अपनी डिस्कशन भी करेंगे, सब लोग हम सब लोग बात कर पाएंगे, सारी डिस्कशन उस ग्रुप के अंदर होगी, तो हमें पता चलेगा कि हम जब अपनी एक दूसरे की नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कुछ चीजें मुझे पता होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप लोगों को पता होती है वो मेरे साथ शेयर होंगी तो मुझे भी फायदा होगा। तो गाइस ये सारी चीजें हम शेयर करेंगे, सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट को डिसाइड भी करती है वो है न्यूज। गाइस न्यूज की वजह से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट चलती है, तो सारी न्यूज आपके साथ शेयर होगी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अब आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को जाके जरूर फॉलो करिएगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब, और उस पे आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स भी प्रोवाइड होने वाली है जो मैंने अपने लिए फाइंड आउट करके रखी हुई है, जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए भी फाइंड आउट करके रखी हुई है। सो गाइस जल्दी जाइए और जुड़िएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर सबसे पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर जो मैंने एक स्टॉक आपके लिए चुन के रखा हुआ है, एक स्टॉक का जो मैंने आपको टारगेट दिया था 860 का वो अचीव हो गया है, पर गाइस हो सकता है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, हमें हर पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखना है, मैंने आपको हिंदुस्तान के अंदर भी आपको हर पॉसिबिलिटी से बताया शॉर्ट और बाय साइड में, बाय चांस अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट देने का रीजन क्या होगा। गाइस आप देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं ये जो RSI है 12 में एक रिवर्सल आने की इसमें कोशिश हो रही है, और अगर हम बात करें MACD तो MACD में भी एक रिवर्सल साइन हमें देखने को मिल रहा है।
पर गाइस अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर आज हम इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसमें हमें बहुत, हम कह सकते हैं कि उस तरीके से देखने को मिला है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स 4-5 दिन यानी कि 1-1.5 हफ्ते से, जब से ये मार्केट में हम रैली देखने को मिली है, ये रैली में इसने अच्छे खासे वॉल्यूम्स नहीं दिए थे, पर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने इसमें बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स आते हुए देखे हैं, यानी कि 1.22 मिलियन तक के हमने इसमें वॉल्यूम्स आते हुए देखे हैं। सो गाइस शायद अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, 870 या 880 के ऊपर हम देखते हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो हमारे लिए एक ये फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी इसका 925 to 930 का टारगेट है, वो कैसे आया वो भी आपको दिखा दिया जाता है। एक बार और देख लीजिए कैसे आया वो टारगेट। ये जो इसका प्रीवियस टू प्रीवियस स्विंग हाई है उससे मैंने एक ट्रेंड लाइन मैच करी और सारे टॉप्स को मिलाते हुए मैं एक ट्रेंड लाइन को मैच करके ले गया। सो गाइस जो मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड लाइन और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देती है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 925 तक का आ सकता है, और 925 से शायद हो सकता है ये रिवर्सल दे दे। रिवर्सल देने के बाद मतलब क्यों यहाँ से रिवर्सल दे दे, क्योंकि ये ओवरबॉट हो जाएगा। ओवरबॉट होने के बाद यहाँ पर अब रिवर्सल मार्केट ट्रेंड के रिवर्सल के सिग्नल हमें बहुत अच्छे तरीके से भी मिल जाएंगे। सो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको 844 के नीचे बाय करके रखिए, पर अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये रिवर्सल आ सकता है, अगर आप अपनी भी चार्ट स्टडी करिएगा और आपको लगता है ये दोबारा यहीं से नीचे गिर सकता है, तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी इसकी एक पुट बाय करके चल सकते हैं या इसको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने उसका डाल दिया है लिंक, वहां पर जाके भी आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रेड डीलर्स, अभी भी आपको कह रहा हूँ ट्रेड डीलर्स, जाइए अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिए ट्रेड डीलर्स और ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को। वहां से फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे, और पूरी डिस्कशन के लिए, जो मैं एक डिस्कशन के लिए एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, वो देखते हैं कहाँ ग्रुप बनना चाहिए, व्हाट्सएप प्रेफरेबल रहेगा या फिर हम टेलीग्राम पे ही बनाए, तो हम सब जुड़ेंगे। और इस वीडियो को मैं अभी वाइंड अप कर रहा हूँ, और ऐसी और ट्रेड और जो स्विंग ट्रेडिंग डील्स है वो आपके साथ शेयर करी जाएंगी, हर दिन करी जाएंगी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी। निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में अगर आपको कुछ भी समझना हो तो आप मेरी प्रीवियस चैनल वीडियो में जा सकते हैं, मेरा चैनल ओपन करिएगा, वहाँ पर प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल बनाई है उस पर मैंने आपको A to Z निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरीके से रहने वाला है कुछ दिन तक, किस तरीके से हमें ट्रेड नहीं करना है मार्केट के अंदर और बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। सो गाइस इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।